कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अनुज बघेल आपका इकोनॉमिक्स का टीचर आज क्लास 12th की वीडियो नंबर 2 लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग अपना चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अपनी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोगों को क्यों पढ़े, इससे हमें क्या फ़ायदे होंगे। अब हम अपने चैप्टर नंबर 2 पर आते हैं, जिसका पहला पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। यानी कि हमारे यहाँ पर किसी भी इकोनॉमी में बहुत सारे नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, जिनको काउंट करना बहुत टफ होता है। तो उन सभी गुड्स को हम लोग 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। सबसे फर्स्ट या तो फाइनल गुड्स होगा या इंटरमीडिएट गुड्स होगा, सेकंड या तो वो कंजम्पशन गुड्स होगा या कैपिटल गुड्स होगा। तो अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट कैटेगरी को, फर्स्ट क्लासिफिकेशन को, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, कि हम अपने गुड्स को फाइनल गुड्स कब बोलेंगे और इंटरमीडिएट गुड्स कब बोलेंगे। तो देखिए बेटा, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, तो हमारे एक प्रोडक्शन साइकिल होती है बेटा। सबसे पहले गुड्स मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चर होने के बाद वो गुड्स जाता है होलसेलर के पास, होलसेलर के पास वो गुड्स जाता है रिटेलर के पास। सबसे पहले मैन्युफैक्चर होगा, मैन्युफैक्चर के पास जाएगा होलसेलर के पास, होलसेलर के पास रिटेलर के पास, रिटेलर के पास जाएगा कंज्यूमर के पास। ये हमारी प्रोडक्शन साइकिल होती है। कोई भी गुड्स जिसने इस प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन ये है, इसको क्रॉस कर लिया है, तो उसको हम बोलते हैं बेटा फाइनल गुड्स। तो हम फाइनल गुड्स के लिए 2 बातें ध्यान में रखेंगे। पहली बात कि उसने प्रोडक्शन की जो बाउंड्री लाइन है उसको क्रॉस कर लिया है। सेकंड, उस गुड्स की में कोई भी वैल्यू एडिशन रिक्वायर्ड नहीं है और वो डायरेक्ट कंज्यूमर के पास पहुंच गया, अपने फाइनल कंज्यूमर के पास। तो इस तरह के गुड्स को हम बोलते हैं बेटा फाइनल गुड्स। जैसे मिल्क परचेज बाय द हाउस होल्ड, जैसे हम लोगों ने मिल्क खरीदी अपने कंजम्पशन के लिए। सेकंड, अब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स की। ऐसे गुड्स जिन्होंने अभी प्रोडक्शन की जो बाउंड्री लाइन है उसको क्रॉस नहीं किया, या फिर उन्हें अभी वैल्यू एडिशन रिक्वायर्ड है, या तो वो मैन्युफैक्चर के पास है या होलसेलर के पास है या फिर रिटेलर के पास है, फाइनल कंज्यूमर के पास अभी गुड्स नहीं पहुंचा है, तो इस तरह के गुड्स को हम बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। अब इसको एक एग्जांपल के जरिए मैं समझाता हूँ। जैसे मिल्क अगर हम हाउस होल्ड लोगों ने परचेज किया हम लोगों ने और कंज्यूम कर लिया, तो वो हो गया मिल्क फाइनल गुड्स। और वही गुड्स अगर एक हलवाई परचेज करता है उसको फर्दर प्रोसेस करने के लिए, मतलब स्वीट्स बनाने के लिए, तो उस समय उस मिल्क को बोलेंगे हम बेटा इंटरमीडिएट गुड्स। तो हमें बेसिकली 2 बातें ध्यान में रखनी है इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स क्लासिफाई करने के लिए। एक तो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन पहली चीज होगी, दूसरा वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन, बस ये 2 बातें ध्यान में। नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं बेटा कंज्यूमर गुड्स किसे कहते हैं। कंज्यूमर गुड्स का मतलब ऐसे गुड्स या सर्विसेज जो एक ह्यूमन बींग्स की वॉन्ट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करें। ठीक, ऐसे गुड्स जो हमारी वॉन्ट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं उनको हम बोलते हैं बेटा कंज्यूमर गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, ऐसे कंज्यूमर गुड्स जिनकी लाइफ 1 साल या उससे ज़्यादा होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, चाहे हम उसको लगातार यूज़ करते रहें फिर भी 1 साल या उससे ज़्यादा रहती है, तो इस तरह के गुड्स को हम बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स, जैसे टीवी हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, बाइक हो गई, एक्सेट्रा। सेकेंड है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स का मतलब ऐसे गुड्स जिनकी लाइफ 1 साल या उससे कम होती है, उसके बाद वो गुड्स खत्म हो जाते हैं, तो उनको बोलते हैं बेटा सेमी ड्यूरेबल, जैसे कपड़े हो गए, शूज हो गए, क्रॉकरी हो गई, एक्सेट्रा। थर्ड है आपका नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जिनका हम कंजम्पशन या यूज सिर्फ 1 बार कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। जैसे कि ब्रेड हो गया, हमने 1 बार कंज्यूम कर लिया, खत्म, उसकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई, दोबारा उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। पेट्रोल हमने बाइक में 1 बार डलवा दिया, हम दोबारा उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो इस तरह के गुड्स को हम बोलते हैं बेटा सेमी ड्यूरेबल गुड्स, सॉरी नॉन ड्यूरेबल गुड्स। फोर्थ है सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब वो इमटेरियल थिंग्स जो हमारी फोन्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर सकते करती हैं, बट हम उनको ना ही टच कर सकते हैं ना ही देख सकते हैं, बट उनके प्रेजेंस को ओनली फील किया जा सकता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, या आप फील कर सकते हो, डॉक्टर से आप अपने लिए मेडिसिन लेके आए, प्रिस्क्रिप्शन लेके आए, लॉयर आपके लिए हाईकोर्ट में केस लड़ रहा है, इस तरह की चीज़ों को बोलते हैं बेटा सर्विसेज। नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब वो गुड्स जो हमारे कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं बेटा कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स किसको बोलेंगे, इसके लिए 5 बातें आपको दिमाग में रखनी है, 5 बातें दिमाग में रखनी है।
5 बातें दिमाग रखनी है। जैसे पहली बात है प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट्स, बस, ट्रक एक्सेट्रा, ये हो गए। हाँ, सॉरी फॉर द पॉज। यहाँ पर हम लोग देखेंगे 5 बातें क्या क्या दिमाग में रखनी है। फर्स्ट है गुड्स मस्ट बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस, यानी कि कैपिटल गुड्स हमेशा प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ किए जाने चाहिए। जैसे मशीनरी हो गई जिससे हम बहुत सारे गुड्स डेवलप करते हैं। सेकंड, गुड्स मस्ट हैव अ ड्यूरेबल लाइफ, यानी कि गुड्स की एक लाइफ होनी चाहिए, जैसे 5 years, 10 years। थर्ड है गुड डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस में अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेंगे। जैसे मिल्क को हम प्रोड्यूस उसमें लेके जाते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस, तो मिल्क अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर देता है, बट हम मशीन से अगर दूसरा गुड्स प्रोसेस करते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करता। नेक्स्ट हम देखते हैं 4th point, दे नीड रिपेयर्स और रिप्लेसमेंट एज दे डेप्रिशिएट ओवर टाइम, मतलब उनमें रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है क्योंकि उन पर डेप्रिशिएशन समय समय पर हम लोग लगाते हैं और वो हमारे मशीन बिजनेस में यूज होनी चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक कार लेके आया, कार पर डेप्रिशिएशन भी लगेगी, उसकी लाइफ भी है, ठीक है, और अगर हम उसको बिजनेस में यूज़ करेंगे तो वो कैपिटल गुड्स है। अगर हम उसको घर में यूज़ करेंगे, अपने पर्सनल यूज़ करेंगे, तो वो एक कंज्यूमर गुड्स है। थैंक यू एंड जय।